हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र केरल के सभी बड़ी मंडियों में प्याज के भाव 9 सितंबर 2020 को क्या देखने को रही हैं। मतलब दोस्तों आज के जितने भी अपडेट आए हैं प्याज के, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग को वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो भाव है प्याज में बहुत ही तेज़ी देखने को मिली है। तो आज जानेंगे कि कितनी मंडियाँ खुली थी और महाराष्ट्र में कितनी खुली, केरल की मंडियाँ खुली थी। मतलब दोस्तों कुली सबको मिला के दोस्तों देखेंगे कि कितनी मंडियों में प्याज आई थी, क्या तेजी रही है, पूरी तरह इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला था। आइए दोस्तों बात करें महाराष्ट्र के मंडियों में प्याज के भाव। तो दोस्तों बात करेंगे सतारा मंडी में, जो कि 800 रुपये से लेकर दोस्तों 1800 का भाव देखने को मिली है प्याज का। आप दोस्तों यहाँ पर 93 क्विंटल देखने को रही हैं। कोल्हापुर मंडी की बात करो 700 रुपये से लेकर दोस्तों 2000 का भाव देखने को मिला है। आप दोस्तों 1944 क्विंटल देखने को रही हैं। पूरे मंडी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 700 रुपये से लेकर दोस्तों 2000 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 6898 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे औरंगाबाद मंडी में, जो कि दोस्तों 300 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 1800 का भाव देखने को मिले हैं प्याज का। आवक दोस्तों 663 क्विंटल देखने को रही है। ठीक है दोस्तों, मुंबई ओनियन और पोटैटो मंडी की बात करूँ यहाँ पे, तो दोस्तों 1400 रुपये से लेकर 2400 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 5768 टन देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों मंगलवाड़ा मंडी में, जो कि दोस्तों 400 रुपये से लेकर 1260 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 15 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे पूरे मोसी मंडी में, जो कि दोस्तों 600 रुपये से लेकर 2000 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 241 क्विंटल देखने को रही है। मनमाड़ मंडी की बात करूँ तो 450 रुपये से लेकर दोस्तों 2222 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 3500 क्विंटल देखने को रही है। सोलापुर मंडी की बात करूँ तो 100 रुपये से लेकर दोस्तों 2500 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 14626 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे देवला मंडी में, जो कि 850 रुपये से लेकर दोस्तों 2295 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 7040 क्विंटल देखने को रही है। उमरेड मंडी की बात करूँ 751 रुपये से लेकर दोस्तों 2525 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 12500 क्विंटल देखने को रही है। राता मंडी की बात करूँ तो दोस्तों 300 रुपये से लेकर 2200 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 5837 क्विंटल देखने को रही है। तो आइए किसान भाई जानेंगे केरल के सभी बड़ी मंडियों में क्या रहे हैं प्याज के भाव। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। ठीक है, तो कलाची मंडी की बात करें तो 2000 रुपये से लेकर दोस्तों 2400 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 0.4 रन देखने को रही है। नीलेश्वरा मंडी की बात करूँ दोस्तों 2400 रुपये से लेकर दोस्तों 2800 का भाव देखने को मिला है प्याज में। आवक दोस्तों 0.8 टन देखने को रही है। बात करेंगे पंपड़ी मंडी में, जो कि 2200 रुपये से लेकर दोस्तों 2400 का भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों यहाँ पे 2 टन देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों थिरूर रंगरंगाड़ी मंडी में, जो कि यहाँ पे 2400 रुपये से लेकर 2600 का भाव देखने को मिली है। आवक 0.2 टन देखने को रही है। तो दोस्तों ये थी आज के मतलब महाराष्ट्र और केरल के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों हमारा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ढेर सारी जानकारी और ढेर सारी मंडियों का अपडेट भी मिल जाएगी। तो चल दोस्तों आज की इस वीडियो में जितनी भी जानकारी थी मैं आप लोग के साथ शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।